उपल उपाध्याय जी, नरेंद्र नाथ रचयानी जी, सम्मानित मंच और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए सभी समाज के सज्जन वृंद, देवी और सज्जनों और हमारे विभिन्न एसोसिएशन से जुड़े हुए सभी वरिष्ठ साथीगण और सभी विद्वता से परिपूर्ण ऐसे हमारे ऋषियों को आज मुझे दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। मैं अपना अहम भाग्य समझता हूँ कि आप सब लोगों के मुझे दर्शन करने का मौका मिला, मेरा अभिनंदन। अभी सुनील जी चर्चा कर रहे थे और उन्होंने कहा कि संवाद है, मैंने सोचा कि पहले आपकी तरफ से कुछ आएगा फिर मैं कुछ बोलूंगा, पर ऐसा हुआ नहीं। तो लेकिन इन्होंने कुछ बातें जरूर की संवाद की दृष्टि से और इन्होंने कुछ बातों को हम सबके बीच में रखा, उसी को मैं कड़ी और के रूप में लेते हुए अपनी बात को प्रारंभ करता हूँ। क्योंकि आप सब लोग काशी शहर सांस्कृतिक नगरी, आध्यात्मिक नगरी, एक दुनिया को दृष्टि दिशा देने वाली नगरी, विद्वता से परिपूर्ण नगरी और जहाँ जिसकी संस्कृति विरासत में मिली हो, ऐसे लोग जो बहुत संवेदनशील भी हैं और सारी चीज़ों को अपने साथ आत्मसात करते हुए पूरी विवेचना के साथ रखते हैं, उसमें मैं भी कुछ थोड़ा सा आज चुनाव के संध्या पर आप सबके साथ चर्चा करना चाहूँगा। एक तो सुनील जी ने कहा कि जो राजनीतिक दल है वह दल अब पारिवारिक दल के रूप में स्थापित हो गए। इसमें मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि यह खतरा प्रजातंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। भारतीय जनता पार्टी तो एक राष्ट्रीय पार्टी है, वैचारिक पृष्ठभूमि पर खड़ी है, प्रजातांत्रिक पार्टी है, इसको संभालने वाले, देखने वाले और इसको आगे बढ़ाने के लिए जहां मोदी जी का नेतृत्व है वहां इसका बढ़ना, अग्रसर होना ये स्वाभाविक है। लेकिन प्रजातंत्र के दृष्टि से देखा जाए तो मैं इनकी बात को सिर्फ परिपूर्ण करना चाहता हूं कि आज जिनसे हम लड़ते हैं, जिनके साथ हमारा वैचारिक टकराव होता है, मनमुटाव होता है, चर्चा होती है, वह अपने पार्टी और अपनी सेहत के लिए कैसे हैं ये तो आप उसकी विवेचना करेंगे, लेकिन प्रजातंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और जब मैं प्रजातंत्र के लिए खतरा बोलता हूं तो मैं इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस को भी दोषी मानता हूं, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टियों को जो रीजनल एस्पिरेशंस को अपने साथ समावेश करना था उस समावेश करने में वह अधूरे रहे, उन्होंने उनकी कल्पना नहीं की और धीरे धीरे नेशनल पार्टीज के नाम की पार्टियां गॉन होती गई और रीजनल पार्टी स्थापित हुई और रीजनल पार्टीज धीरे धीरे पारिवारिक पार्टियां बनी। अब आप देखिए जम्मू कश्मीर से शुरू हुई नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी, दोनों रीजनल पार्टी अब पारिवारिक पार्टी, हरियाणा लोकदल पार्टी पहले रीजनल पार्टी बाद में पारिवारिक पार्टी, पंजाब एसएडी संयुक्त अकाली दल, शिरोमणि अकाली दल पहले रीजनल पार्टी धार्मिक पार्टी अब पारिवारिक पार्टी, आप उत्तर प्रदेश आ रहे हैं समाजवादी पार्टी पहले रीजनल पार्टी अब पारिवारिक पार्टी, आप बिहार चले जाए आरजेडी पहले रीजनल पार्टी बाद में पारिवारिक पार्टी, ममता पहले तृणमूल कांग्रेस रीजनल पार्टी अब पारिवारिक पार्टी, आप साउथ में चले जाए तो आपको दिखेगा टीआरएस टीडीपी वाईएसआर तीनों ही पहले रीजनल पार्टी आज तीनों ही पारिवारिक पार्टी, डीएमके में चले जाइए पहले रीजनल पार्टी आज परिवार की पार्टी, साउथ में ईस्ट में चले वेस्ट में चले जाइए महाराष्ट्र
एनसीपी पहले रीजनल पार्टी अब पारिवारिक पार्टी, शिवसेना पहले रीजनल पार्टी रिलीजियस पार्टी अब पारिवारिक पार्टी, सारे देश की आप तस्वीर उतार। और दुख की बात यह है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस भी न इंडियन रह गई है न नेशनल रह गई है, एक रीजन में सीमित हो गई है कुछ रीजन्स में, और अब ये पार्टी भी डेमोक्रेटिक नहीं रही है, ये भी भाई बहन की पार्टी हो गई। तो भारतीय जनता पार्टी ने तो बहुत, हम तो राष्ट्रीय पार्टी विचारों के साथ चलने वाली पार्टी है, बढ़ने वाली पार्टी, बढ़ने की स्वाभाविक है, लेकिन प्रजातंत्र के लिए यस दिखना यह एक खतरनाक साइन है। और इसलिए मुझे लगता है कि प्रजातंत्र को मजबूत करने के लिए भी भारतीय जनता पार्टी को और मजबूती प्रदान करना किया है। अभी संवाद में इन्होंने कहा कि मैं हमेशा मुस्कुराता रहता हूं, अब इस पर कुछ ना कुछ तो, हालांकि मैं सीरियस विषय से थोड़ा लाइट विषय पर आ रहा हूं, लेकिन भैया मेरे, मैं 18 करोड़ की पार्टी का अध्यक्ष हूं, और मैं नहीं हूं, हम और तुम में अंतर नहीं है, तो मुझे फिर मुस्कुराना ही मुस्कुराना है, मैं कई बार बोलता हूं यार 18 करोड़ की पार्टी हम अकेले कहां है, सब मिलकर के कुछ फैसला करते हैं तो उसको आगे बढ़ाने में देर किस बात की होती, दिक्कत क्या आएगी, कोई दिक्कत नहीं आती। इसलिए हम सब लोग सीरियस नेशनल इश्यूज के साथ जुड़ते हैं और उसको हम पूरा करने का प्रयास करते हैं, और उसको पूरा करने में क्योंकि इतनी बड़ी पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, एक समय में बड़ा गर्व महसूस करते थे कि हमारी मेंबरशिप कितनी है, आज हम गर्व महसूस करते हैं कि सबसे बड़ी दुनिया की पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी, और हम हैं और हम सब हैं, तो फिर क्या दिक्कत है, हम आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तीसरी बात है कि हम विचारों की, हम कोई सत्ता में आने के लिए नहीं है, हम किसी को एमएलए बनाना एमपी बनाना यह हमारा उद्देश्य नहीं है। और जब हम ये कहते हैं इसके साथ साथ हम कहते हैं कि हम सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस बात को लेकर चलते, और इसके लिए हमको सर्टिफिकेट मिले ना मिले यह हमारी चिंता नहीं होती। नेशन फर्स्ट पार्टी सेकंड सेल्फ लास्ट, देश पहले, और इसीलिए आप सारे राजनीतिक दल को देख लीजिए सबका, धारा 370 के विषय पर जम्मू कश्मीर को अक्षुण बनाने में सब पार्टियों ने अपना स्टैंड बदला, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था, जो दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था, जिसके लिए सारी जिंदगी अटल बिहारी वाजपेयी ने लगा दी, उसको मोदी जी ने पूरा करके दिया। आज हम टिके नहीं, एक देश में दो निशान दो विधान दो प्रधान नहीं चलेंगे, हमने एक देश में एक निशान एक विधान एक संविधान करके दिया है। बात कहूं 156 भारत के कानून लागू नहीं होते थे जम्मू कश्मीर, 156। आपको जानकर आश्चर्य होगा एंटी करप्शन एक्ट नहीं लागू था, किए चलो भ्रष्टाचार, केंद्र सरकार का फंड आए खाए जाओ, कोई पूछने वाला नहीं है। आपको जानकर आश्चर्य होगा महिला उत्पीड़न का कानून लागू नहीं था जम्मू कश्मीर, आपको आश्चर्य होगा कि बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करना पॉस्को का कानून लागू नहीं था जम्मू कश्मीर, आपको आश्चर्य होगा कि हमारे ट्राइबल भाइयों को राजनीतिक आरक्षण नहीं था, आपको आश्चर्य होगा कि वहां पर हमारे दलित भाइयों को सिवाय सफाई कर्मचारी छोड़कर कोई सरकारी नौकरी नहीं लग सकती थी, देयर वाज नो रिजर्वेशन, ये जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न था। आज धारा 370 को धाराशाही करके मुख्य धारा में जम्मू कश्मीर को लाए हैं, तो हम टिके नहीं, हम वो नहीं करें। अवश्य अब आप कीजिए, रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बना
समाजवादी पार्टी ने राम भक्तों पर गोली चलाई, कांग्रेस पार्टी ने अटकाया अटकाया लटकाया सब कुछ किया, लेकिन जब मोदी जी की सरकार आपने बनाई तो सुप्रीम कोर्ट ने सर्वसम्मति से जो फैसला दिया उस फैसले को अक्षरशः इंप्लीमेंट करने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है। अब भव्य राम मंदिर, देखिए हर एक कोई अपने अपने दृष्टि से देखता है। मैंने कल भी चर्चा में कहा था ये तीन तलाक, ये तीन तलाक का कानून आपको जानकर आश्चर्य होगा पाकिस्तान में लागू नहीं है, मुस्लिम देश है। ये तीन तलाक का कानून अफगानिस्तान में लागू नहीं है, बांग्लादेश में लागू नहीं है, अब सीरिया में लागू नहीं है, अब ईरान में लागू नहीं है, इराक में लागू नहीं है, इंडोनेशिया बहुतायत मुस्लिम देश है लागू नहीं है, लेकिन हमारे देश में 13वीं शताब्दी का कानून लागू था और सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद भी तुष्टीकरण की राजनीति के से दबे हुए लोग नेता लोग इस पर फैसला नहीं कर पा रहे थे। आज मोदी जी ने, आपने मोदी जी को ताकत दी, मोदी जी ने तीन तलाक को सदा सदा के लिए समाप्त कर दिया और लगभग 11 से 12 करोड़ मुस्लिमों को, मुस्लिम बहनों को आजाद किया। और एक आंकड़े आपको बता देता हूं, पिछले दो साल में 2019 में एक कानून आया और 2021-22 के रिव्यू में तीन तलाक की घटनाएं 80% घट गई हैं, 80%। अब इससे बड़ा उदाहरण सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास इससे ज्यादा क्या हो सकता है, इससे ज्यादा महिला सशक्तिकरण क्या हो सकता है, इससे ज्यादा 21वीं शताब्दी में देखने वाला भारत कहां खड़ा होता है, इससे ज्यादा क्या हो सकता है। इसलिए मैं कई बार कहता हूं कि वोट कई बार हम लोग इस तरीके से दे देते हैं, ये मेरा भाई है, ये मेरी जाति का है, ये मेरा सोचने वाला है, ये मेरे गंगा के इस पार का है, ये गंगा के उस पार का है, ये मेरे गांव का है, ये मेरा भतीजा है, ये मेरा फरीक है। देखिए अपने भविष्य के बारे में तय करने के लिए मेरा सोच करके छोड़ करके उत्तर प्रदेश का कौन सा हो सकता है, देश का कौन सा हो सकता है, वाराणसी का कौन सा हो सकता है, इस बात को सामने रख करके हमको अपने मतों का अधिकार का प्रयोग करना चाहिए। और इसलिए मैं आपसे मांगने आया हूं कि आपने अपना वोट योगी जी के हाथों को मजबूत करना है और मोदी जी के काम को मुहर लगाना है, इस बात का वोट है, इसको हमको समझना चाहिए। और यहां बैठे लोग, मैं जानता हूं कि आप सब लोग कमल पर ही वोट डालेंगे क्योंकि आप इतने प्रेम से आके शांतिपूर्ण ढंग से बैठे हैं, तो जब आपको इतना इस पार्टी से लगाव है तो आपका वोट तो मिलेगा ही, लेकिन आपके वोट से के साथ साथ मैं आपके माध्यम से उन हजारों लोगों का वोट चाहता हूं, क्योंकि आप अकेले नहीं है, आप विद्वता के भंडार हैं और आपके बताए रास्ते पर चलने वाले हजारों लोग हैं, उन तक आपका संदेश पहुंचना चाहिए। ये आपसे अब विकास के दृष्टि से आप भी बनारस पहले से जानते हैं, हम भी बनारस पहले से जानते हैं और उत्तर प्रदेश को भी अच्छे तरीके से जानते हैं। मतलब नाली में पानी बहे ये एक न्यूज होता था, नाली से बाहर पानी बहे ये न्यूज नहीं होती थी, ये कॉमन बात थी। सड़क टूटी रहे ये न्यूज नहीं थी, सड़क बन गई है तो ये न्यूज होती थी। यानी जो जो होना चाहिए था वह हो तो वो खबर होती थी और जो नहीं होना चाहिए था वो हो तो वो खबर नहीं होती थी। ऐसा ही चलेगा, ये तो ऐसा ही रहने वाला है, कोई विकास की गुंजाइश नहीं है, क्या हो सकता है, ये तो ऐसी सी सड़कें पतली सड़कें ही रहने वाली है, ट्रैफिक जाम लगना यहाँ तो ऐसे ही होता है, ट्रैफिक जाम लगना ये तो ऐसा ही है, शहर तो ऐसा ही है, पुराना है शहर। आज देखिए बनारस की तस्वीर कितनी बदल गई है, वन वे ट्रैफिक, फोर लेन, कितने अंडर ब्रिजेस, कितने ओवर ब्रिजेस, और आने वाले समय में अब मेट्रो आ रहा है, 5 साल के अंदर मेट्रो आ जाएगा, वह बनारस की बिल्कुल तस्वीर बदल देगा, इस बात को भी हमको समझना चाहिए। यहां के विकास से लेकर अब बीएचयू तो वही था लेकिन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्टेटस के दृष्टि
से अब ये लगा कि BHU को महामना मालवीय जी की इंस्टीट्यूट है, इसमें से एम्स निकाल लेंगे तो दिक्कत आएगी। हमने कहा मत निकालो, एजुकेशन डिपार्टमेंट में रखो, लेकिन एम्स का स्टैंडर्ड बनाने के लिए जो जरूरी होगा वो हेल्थ मिनिस्ट्री देगी, लेकिन यहां पर वो खड़ा होगा। आज टाटा का कैंसर हॉस्पिटल तैयार हो गया, आपके रेलवे स्टेशन की ब्यूटिफिकेशन देख लीजिए, यही बनारस का रेलवे स्टेशन पहले भी देखा है, यही आपने सारे रेलवे स्टेशन को आप देखिए, सब रेलवे स्टेशन का परिवर्तन जिस तरीके से हो रहा है। एयरपोर्ट जाता हूं तो आज से 6-7 साल पहले जाता था तो लोग बोलते थे यहां तो दो ही फ्लाइट होती है, मैं बार बार सुना दो ही फ्लाइट आते हैं, एक सुबह एक शाम, जैसे एयरपोर्ट खुला रखने के लिए हमने चला रखा। आज किसी से बात करो तो कहते हैं जैसे तो कोरोना आ गया, अभी भी 28 फ्लाइटें आ रही है, लेकिन वैसे तो 35 पहुंचेगी, 40 पहुंचेगी, तो आगे इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसका बनना, जेवर का बनना, जेवर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट 4 साल में तैयार हो जाएगा, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा और दुनिया का 5वां सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा जेवर भी है। उत्तर प्रदेश में अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा, कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया, मतलब जो शिव भक्त आना चाहेगा काशी दुनिया के किसी भी कोने से, जो राम भक्त आना चाहेगा अयोध्या सीधे पहुंच सकता है, जो बौद्ध के सर्किट को जाना चाहेगा कुशीनगर सीधे पहुंच सकता है। यह परिवर्तन लखनऊ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ही गया है, 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और मुझसे कई बार कोई लोग बोलते हैं तो मैं हमेशा ही बोलता हूं कि देखिए जमाना बदल रहा है, मोदी जी की सोच देखिए, हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज की सवारी करानी है, यह हमारा उद्देश्य है, कॉमन मैन की प्रदेश में कभी सोच सकता था एक्सप्रेस हाईवे होंगे 4 लेन 6 लेन, कभी सोच सकता था, कभी नहीं सोचा कि उत्तर प्रदेश में 4 लेन 6 लेन होंगे इस तरीके की, कभी किसी ने कोई कल्पना नहीं की। आजकल कोई गोरखपुर है लिंक एक्सप्रेस वे, कोई गंगा एक्सप्रेस वे लिंक वे, कोई बुंदेलखंड एक्सप्रेस लिंक वे, कोई उत्तर प्रदेश का और एक एक्सप्रेस लिंक वे है जो प्रयागराज तक जोड़ने वाला है, यानी हर दृष्टि से और कॉरिडोर बनाकर के उनको जोड़ने का काम करने की बात हुई है। अब मैं तो इसको मानता हूं कि यह विकास की गंगा है, यह सड़क नहीं है, यह विकास की गंगा है। अब बिपिन रावत इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बुंदेलखंड में आ रहा है, प्रमोद लखनऊ में बनने लगे, उसी तरीके से इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हो रहा है, फ्री रेलवे का ट्रैक जो फ्री फ्रेट डेडिकेटेड फ्रेट है जो दीनदयाल नगर से लेकर के आपके यहाँ चंदौली से लेकर के कानपुर तक के सारे एक्सपोर्ट गुड्स जितने हैं वो सीधे पोर्ट पर पहुंचाना, एयरपोर्ट या बंदरगाह दोनों जगह पहुंचाने का डेडिकेटेड फ्रेट का काम चल रहा है, उस पर जोर शोर से काम कर रहा है। अब ये कई बार लोग चर्चा कर लेते हैं, आपने कभी समाजवादी पार्टी लोगों को पूछा है कि भैया जरा आपकी कल्पना विकास की है क्या, तो ज्यादा से ज्यादा कहेंगे मेरा बेटा विकास तो नहीं है, उसका नाम तो फलाना है, यानी विकास उनके लिए कोई परिवार का ही आदमी हो सकता है, विकास कोई दुनिया का हो देश का हो ये कल्पना ही नहीं हो, सोच ही नहीं, दे डोंट हैव एनी कॉन्सेप्ट। आज 2 ऑल इंडिया शू मेडिकल साइंसेस अदर देन वाराणसी छोड़कर के 2 ऑल इंडिया शू मेडिकल साइंसेस आ गए। मैंने पहले भी बताया रायबरेली, अब मेरे को सोनिया जी ने चिट्ठी लिखी थी, आई वुड लाइक टू डिस्कस रायबरेली, मैंने कहा आई एम सेंसिटिव अबाउट, हम ये नहीं मानते मेरा तेरा, आपकी आदत है कि हमने कोशिश किया, हम गोरखपुर भी बनाएंगे, हम रायबरेली को भी चलाएंगे और वो हमारे समय में चली, इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। तो आज गोरखपुर 3 साल के अंदर हमने ऑल इंडिया सो मेडिकल साइंस 1100 करोड़ रुपए का खड़ा कर दिया, 2000 करोड़ रुपए हर साल उसके उसको चलाने के लिए लगने वाला है, रेकरिंग एक्सपेंडिचर उस पर आने वाला है, और अब हमारे लोग को दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा, उनका इलाज यहीं पर होगा, सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक्स नहीं। 5 साल के अंदर 10 यूनिवर्सिटीज, एक 91 यूनिवर्सिटी एग्जिस्टेंस में आ रही है, 78 डिग्री कॉलेजेस, 28 इंजीनियरिंग कॉलेजेस, और स्वास्थ्य मंत्री मुझे
रहने का मौका मिला, मोदी जी ने कहा था आपके यहाँ 15 मेडिकल कॉलेज थे, आज सरकारी क्षेत्र में 59 मेडिकल कॉलेज हैं और प्राइवेट के हाल में तो 64 मेडिकल कॉलेज। तो ये एक अंतर विकास के दृष्टि से एयरपोर्ट्स, हाईवे, इंस्टीट्यूशंस, इंस्टीट्यूशन का अपग्रेडेशन, सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक, आगरा सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक, हमारे आगरा के आप सांसद हैं बैठे हुए, आगरा सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक, मेरठ सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक, कानपुर सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक, वाराणसी सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक, साथ साथ सुपर स्पेशलिटीज की ब्लॉक खड़े किए जा रहे हैं। ये इससे अंतर कितना आता है इसको हमको समझना चाहिए। अगर किसी को मान लीजिए आज से पहले नेफ्रोलॉजी के लिए जाना पड़ा, नेफ्रोलॉजी पहले कोई शब्द ही समझ में नहीं आता, नेफ्रोलॉजी हुआ क्या, ये बीमारी किस किस्म की, कहाँ जाना पड़ेगा, आज आपके यहाँ यहाँ पर उसकी सुपर स्पेशलिटी खड़ी हो रही है। हम लोगों ने कभी सोचा ही नहीं था कि ब्रेन सर्जरी भी यहाँ होगी, वो भी होने लगी। तो यानी हर दृष्टि से एक नए आयाम को हम टच कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, मैं 1998 पहली बार मंत्री बना, स्वास्थ्य मंत्री प्रदेश में, बड़ी मेहनत करता हूँ, IMR इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, MMR मेटरनल मॉर्टेलिटी रेशियो, हमारा बाकी सारे हेल्थ के स्टैंडर्ड्स उस पर बहुत काम करता था। लेकिन जब दिल्ली आता था तो हमारा सारे का सारा नीचे गिर जाता था। तो मैं पूछता था यार इतनी मेहनत करते हैं ये नीचे क्यों गिरता है, तो पता चला कि कुछ बीमारू राज्य हैं, वो बड़े राज्य हैं और उनके जो इंडिकेटर्स हैं वो बड़े तकलीफ देने वाले हैं, इसलिए भारत का इंडिकेशन गड़बड़ होता था। मोदी जी ने क्या किया, 114 से ज्यादा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बनाए, किसी भी स्टेट के हो जो जो इंडिकेटर्स में कमजोर है उनको पकड़ा, उस पर काम शुरू किया। और आज जो बीमारों का यू उत्तर प्रदेश था, आज वही यू उत्तर प्रदेश का उत्तम प्रदेश बन गया है। आज आपका इंडिकेटर इतना ऊपर जा रहा है, आप वैक्सीनेशन में वन ऑफ द टॉप में आकर के खड़े हैं। अब वैक्सीनेशन की भी बात नहीं कीजिए, मैं उस समय नहीं कहता था। देखिए मोदी जी ने इस देश की ताकत को समझा। हम कई बार लोगों को बताते हैं कि भैया जिस काम में हम लोग हाथ डालेंगे ना भारत डालेगा, वो दुनिया का सबसे बड़ा प्रोग्राम बन जाएगा, क्योंकि हमारी संख्या ही 34 करोड़ है। तो जब हम किसी भी चीज में हाथ डालेंगे वो हमेशा ही ऊपर बनेगा, इसको हमको समझना चाहिए। और हमारा कोई मुकाबला नहीं कर सकता। हम जब दुनिया के फोरम्स पर जाते थे और हम बोलते थे 1.25 मिलियन पीपल, 1.3 मिलियन पीपल, तो सब बोलते थे ओ माय गॉड कांट इमेजिन, 3 लाख की जनसंख्या, 1 करोड़ की जनसंख्या, 1.5 करोड़ की जनसंख्या, ये 130 करोड़ के सामने आती कहां है। अब वैक्सीनेशन की बात की लीजिए, हमारा वैक्सीनेशन देश का फास्टेस्ट एंड लार्जेस्ट हेल्थ कवरेज है, इसको हमको समझना चाहिए। अब इस पर भी मैं थोड़ा सा आपसे चर्चा करूंगा, स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं, मीजल्स की दवाई यहां आने में 30 साल, टेटनस की दवाई आने में हम 35 साल, जापानी बुखार की दवाई आने में 100 साल लगे। 1906 में जापान ने इंजेक्शन बना लिया था जापानी बुखार का, 2006 में आया गोरखपुर में जब योगी जी वहां से सांसद, 100 ईयर्स। ट्यूबरक्लोसिस की दवाई आने में 20 साल, पल्स पोलियो की दवाई आने में 25 साल, और कोरोना 2020 में आया, जनवरी में आया, अप्रैल में मोदी जी ने काम शुरू किया, टास्क फोर्स बनाया और 9 महीने के अंदर एक नहीं दो दो इंजेक्शन, और देश को ही दिया, दुनिया को दिया ये वैक्सीन मैत्री। उस समय हमारे ऑपोजिशन की बुद्धि को देखो ना, यही अखिलेश बोलते थे कि नहीं बोलते थे, टीका मत लगाओ टीका मत लगाओ टीका नहीं बोलते थे, बोला कि नहीं बोला कि मोदी टीका है बीजेपी टीका है, और चुपके चुपके खुद लगवा दिया, बापू जी को भी लगवा दिया, और उत्तर प्रदेश की जनता को अंधेरे में ढकेल दिया, तुम मत लगाओ। ऐसे तो हमारे नेता है, मोदी टीका मेरे कुंडले में का कैसा लगा, मोदी टीका, अब 7 तारीख को एक और टीका लगेगा, 7 तारीख फाइनल टीका।
फिर बोलने लगे कि हमको इंडिया से नहीं लेंगे, हम तो फाइजर का लेते हैं, हमको तो दुनिया से बात करने दो, दुनिया से बात करने दो। 5 दिन बाद बोलने लगे आप ही दे दो, 10 दिन बाद बोलने लगे मुफ्त दे दो। आप इनकी राजनीति देखो ना, मोदी जी ने कहा कि पहला वैक्सीन हेल्थ वर्कर को लगेगा, अपने क्यों नहीं लगवाया, अपने क्यों नहीं लगवाया, कहा के लिए कहा। अब याद करो इनको, इनको देखो जैसे स्कूल में छोटे बच्चे होते थे ना, तो जो हारने वाला होता था ना वो बार बार बोलता था बैट टेढ़ा है, हॉकी टेढ़ी है, गोल पोस्ट टेढ़ा है। अरे तुम्हारी दृष्टि टेढ़ी है यार, उसको बोलो ना उसके काम चुका। हर एक चीज बच्चे कैसे करते हैं वैसे कि ये लोग राजनीति करते हैं। याद दिलाने लगूं आपको इनका इनकी करतूतें, तो आपके ध्यान में आएगा कि इन्होंने राजनीति में प्रदेश के साथ और देश के साथ कितना अन्याय किया। हर दिन करते हैं और धोखे में डालते हैं और जनता को गुमराह करते हैं, ये ऐसे लोगों को जवाब देना ये हमारा काम है। अब जब हम बात करते हैं गांव गरीब वंचित पीड़ित शोषित दलित, तो सिर्फ करने के लिए नहीं करते, एम्पावर कर रहे हैं, ताकत दे रहे हैं। और मोदी जी का कहना है कि हम लोगों को ताकत प्रदान करेंगे। और मैं आप देखिए, मैं तो कई बार कहता हूं इन लोगों के साथ बात करता हूं, तो मैं कहता हूं इन लोगों के साथ बड़ा अन्याय हुआ है, चांदी के चम्मच के साथ पैदा हुआ है। इनको ना गरीबी मालूम है ना गरीब मालूम, जनधन खाते का मजाक उड़ाया है। इनको मालूम ही नहीं था कि 130 करोड़ के देश में बैंक के खाते और बैंक की दहलीज को पार करने वालों की संख्या सिर्फ 3.25 करोड़ है, 130 करोड़ हमारी पॉपुलेशन। और मिसेस गांधी चिल्लाती रही गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ, गरीब कैसे हटेगा। मोदी जी ने पता किया तो पता चला कि दो कारण है, तो गरीब पैसा नहीं दे सकता बैंक में जमा करने के लिए, उसके पास इतना पैसा ही नहीं है, दूसरा उसको गारंटर नहीं मिलता। तो मोदी जी ने कहा कि भैया तुमको पैसा देना नहीं है, तुम्हारे खाते में हम पैसा डालेंगे, तुम 0 अकाउंट से बैंक अकाउंट। तुम्हारा गारंटर मोदी होगा, नरेंद्र मोदी होगा, भारत सरकार होगी, तुमको कोई बैंक में खाता खोलने से रोक नहीं सकता। आज लगभग 20 करोड़ लोग हमारे बैंक के खाते के कारण 20 करोड़ महीने उनको कोरोना के दौरान 500 पर महीने 3 महीने तक उनके खाते में पहुंचाने का काम मोदी जी ने किया, ताकि उनका चूल्हा चल सके, परिवार चल सके, इसकी बैंक अकाउंट खोलवाने का अर्थ क्या है। आज प्रधानमंत्री आवास योजना है, ये प्रधानमंत्री आवास योजना को आप उठा करके देखो, पहले यही राजीव गांधी बोलते थे कि मैं 1 रुपया देता हूं तो 85 पैसे बीच में खर्च हो जाते हैं। अब मोदी जी कहते हैं कि मैं 1 रुपया बैंक में डालता हूं, 100 का 100 पैसा सीधे आपके खाते में जाता है, न कोई दलाल न कोई बिचौलिया न कोई। अब ये है बढ़ता भारत, ये परिवर्तित आता भारत। आप सोचिए हम लोग तो देखो शहर में है, हम लोग को तो बहुत अच्छी सुविधा मिली, हमारे कभी जहन में भी नहीं आता होगा। राम मनोहर लोहिया जी ने 1960 में कहा कि मुझे शर्म आती है कि इस देश में जब मैं गांव की तरफ से गाड़ी मेरी जाती है तो बहने झुंड की झुंड अपने दैनिक नित्य कर्म के लिए खेतों में जा रही होती है। एंड व्हाट वाज द नंबर, मोर देन 11 करोड़। यानी 130 करोड़ के देश में अगर 11 करोड़ लोग, यानी 11 करोड़ फैमिली होगी, तो एक फैमिली में कम से कम 2 लेडीज बिटिया होगी, तो आप समझिए कि लगभग 22 से 23 करोड़ बहने वह प्रतिदिन अपने दैनिक क्रिया के लिए सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त का इंतजार करती होगी, किस तरीके का वो आजादी का जीवन व्यतीत करनी होगी इसको आप समझिए। और मोदी जी ने ओपन डेफिकेशन फ्री करके उत्तर प्रदेश को जैसे प्रदेश को 11 करोड़ इज्जत घर बना करके 11 करोड़ घर, ये बहुत बड़ा अंतर है। आयुष्मान भारत मोर देन 2000 प्रोसीजर्स जो जीवन की, ये बहुत महत्वपूर्ण होती है। अब पहले किसी का हार्ट ऑपरेशन आ गया समझो मकान मिल जाता था गरीब का, आप बताइए कोई रिक्शा वाला
टाइल्स का तो करा नहीं पाता था, हार्ट का क्या कराएगा, मकान बिक जाता था, किसी को किडनी की प्रॉब्लम हुई तो हो गया जिंदगी खत्म, सारी छुट्टी। और बहुत लोगों को आपने देखा होगा, गरीब लोग बोलते थे डॉक्टर ने बोला घर में रहो घर में रहो, अब इलाज का पैसा नहीं तो घर में रहो डॉक्टर बोलेगा और क्या बोलेगा। आज मोदी जी ने 50 करोड़ लोगों को 50 करोड़, 10 करोड़ 74 लाख परिवार, और ये परिवार जाति से नहीं, ये परिवार प्रोफेशन से। देयर आर 12 टाइप्स ऑफ प्रोफेशन, रिक्शा वाला, ठेला वाला, रेडी वाला, फेड़ी वाला, सब्जी वाला, टैक्सी ड्राइवर, क्लीनर, बार्बर, रैक पिकर, कूड़ेदान से प्लास्टिक उठाता है। ऐसे गरीब लोगों को, 50 करोड़ लोगों को, परिवारों को 5 लाख रुपए का गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए हर साल 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया है और 2.5 करोड़ लोगों ने इसका लाभ लिया है। ये जो बदलता भारत, ये 2.5 करोड़ लोगों ने फायदा उठा लिया है। अब हम ये तो नहीं कहेंगे कि 5 लाख का इस्तेमाल करने के लिए बीमार पड़ो, लेकिन किसी को बीमारी आ जाए और 50 करोड़ लोग अगर अपने पॉकेट में गोल्डन कार्ड मोदी जी का लेकर चलते हो और हॉस्पिटल में मुफ्त इलाज कराते हो, और उसमें भी समझ लीजिए कि बनारस का आदमी अगर टाटा कैंसर हॉस्पिटल मुंबई में जाकर इलाज कराता है तो सीधा मोदी जी का पैसा टाटा कैंसर हॉस्पिटल को जाएगा, उत्तर प्रदेश से कोई लेना देना नहीं होगा, सीधे उसको बैठ जाएगा। इस तरीके की व्यवस्था की गई। प्रधानमंत्री आवास योजना तय कर रखा है कि कोई भी फूस के मकान में नहीं रहेगा, झोपड़ में नहीं रहेगा, पक्का मकान में रहेगा, और उसमें एक रसोई घर होगा, गैस का चूल्हा होगा, बाथरूम होगा, उसमें नल होगा, रसोई में नल होगा, रहने की अलग व्यवस्था होगी, और एम्पावरमेंट के लिए उसका मालिक मालकिन होगी, जो महिला होगी वो उसकी मालकिन बनेगी, ये महिला तो ऐसे कितनी योजनाओं को ग्राम गिनाए, सारी योजनाओं को हम आपके सामने रखें। बहुत लंबा इस पर मैं वक्तव्य दे सकता हूँ, लेकिन विमेन का एम्पावरमेंट, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण नाम योजना है, पिछली सदी में जो महामारी आई थी तो बीमारी से ज्यादा लोग भुखमरी से मर गए थे। आज मोदी जी ने 2 वक्त की भोजन की व्यवस्था कराई और फ्री राशन, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में सबको मुफ्त राशन देकर पूरी जनता को कोई भूखा ना सोए इसको सुनिश्चित किया है, तो मोदी जी ने सुनिश्चित किया या और योगी जी ने उसमें ऐड किया डबल इंजन का डबल फायदा, उसको वो भी हमको मिला। तो एक जिसको हम कहते हैं कि अब ये इश्यूज ऐसे हैं जिनके बारे में हमको सोचना पड़ेगा कि हम किस तरीके से इसको हम महिला एम्पावरमेंट कर रहे हैं, यूथ एम्पावरमेंट कर रहे हैं। इस बार का बजट जो आया है, 1 साल के अंदर 60 लाख लोगों को नौकरी मिलेगी। उत्तर प्रदेश जो 7वें नंबर पर खड़ा था, आज वह उत्तर प्रदेश आर्थिक जगत में 2रे नंबर पर खड़ा है, और एक बार और आप वोट देंगे तो उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर खड़ा होगा। ये विकास का, अब उत्तर प्रदेश की भी यही ताकत है, जो काम उत्तर प्रदेश अपने हाथ में लेगा वो देश का सबसे बड़ा काम देगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की संख्या ही 24 करोड़ की है, जनसंख्या ही इतनी बड़ी है, इसको जिस तरीके से आप प्रेजेंट करोगे उसका उस तरीके से लाभ मिलने वाला है। तो ये 60 लाख लोगों को नौकरियां मिलने वाली है, 25 करोड़ किलोमीटर की सड़क बन रही है, 20 हजार करोड़ रुपए उसमें खर्च होने वाले हैं, 3.80 करोड़ लोगों के घरों में 1 साल के अंदर नल से जल मिलेगा, इसकी व्यवस्था इस बजट में की गई है। लगभग 48 हजार करोड़ रुपए खर्च करके 80 लाख मकान, पक्के मकान इस साल बनेंगे, ये इस साल के बजट की मैं आपको बात बता रहा हूँ। उत्तर प्रदेश का बजट देश का सबसे बड़ा बजट बन गया है। तो एक विकास के लिए योजनाबद्ध तरीके से उसको आगे बढ़ाने का काम हम सब लोग कर रहे हैं, और इसको करने में आप सबका सहयोग मिले, आशीर्वाद मिले, ये भी हमको ध्यान में रखना है। अभी हम लोगों ने तय किया है किसानों को जहाँ किसान सम्मान निधि में 2.25 लाख करोड़ रुपये खर्च किए, और मैं इस पर भी आपको ये चुनाव आता है ना, तो अब तो कांग्रेस पार्टी बेचारी 2-3 स्टेट, कुछ स्टेट्स में रह गई, कर्जा माफ करेंगे। कितना बनता है कर्जा माफ? 57 हजार करोड़ रुपए। 10 साल बाद तुम 57 हजार करोड़ रुपए माफ, और वो भी माफ नहीं करते हो, राजस्थान मध्य प्रदेश में नहीं कर पाए थे। लेकिन मोदी जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 10 करोड़ 50 लाख किसानों को 2-2 हजार
हजार रुपए हर दूसरे महीने देकर 10 किश्तों में 2.25 लाख करोड़ रुपए खर्च करके किसानों को सशक्त कर दिया, उनको मजबूती मिला। तो इसलिए हर दृष्टि से विकास को आगे बढ़ाना, उसको पूरा करना वो चल रहा है। अभी बहनों को स्कूल में जाने के लिए 10 रुपए पढ़ने वाले बहनों को मोपेड और स्कूटी दी जाएगी, बट नौजवानों के लिए 2 करोड़ को लैपटॉप टैबलेट दिया जाएगा, कंप्यूटर दिया जाएगा ताकि वो विकास कर सके। दिस इज एनहांसमेंट, दिस इज एम्पावरमेंट। ये लोगों का एम्पावरमेंट, यूथ का एम्पावरमेंट, किसान का एम्पावरमेंट, महिलाओं का एम्पावरमेंट, उनका सशक्तिकरण। इस सशक्तिकरण को आपको आगे बढ़ाना है, उसके लिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा और वो मैं बार बार सब जगह बोलता हूं कि देखिए ये सब संभवतम है। इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टर्स ने 3,000 करोड़ रुपए आ चुके हैं उत्तर प्रदेश में पिछले 3 साल में। आपका टारगेट 4,000 करोड़ रुपए का आपने एमओयू साइन किया था, लगभग 1,100 समथिंग एमओयू साइन हुए हैं और 4,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट आनी थी, 3,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट आ गई है। और अगले 5 सालों में हम उत्तर प्रदेश को 10,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट पर ले जा रहे हैं एक नए राज्य। लेकिन ये 10,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट थी, क्या यहाँ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिना लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के आप ये इन्वेस्टमेंट संभव होगा? अब अखिलेश के टाइम पर लोग अपनी फैक्ट्रियां बंद करके जा रहे थे, नहीं जा रहे थे? मायावती और अखिलेश के जमाने में 29 चीनी मिल बंद हुई थी, नहीं? मायावती जी ने 11 चीनी मिले कौड़े के दाम बेचा कि नहीं बेचा? और आज योगी जी ने 3 नई शुगर फैक्ट्रियां लगा दी कि नहीं लगा दी? तो ये इन्वेस्टमेंट अगर बढ़ाना है तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को ठीक करना पड़ेगा। आप बताइए योगी जी ने उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल किया कि नहीं किया? माफिया राज समाप्त हुआ कि नहीं हुआ? कल मैं बता रहा था 385 यही आजम खान, जिसको अखिलेश जी साहब करके बुलाते हैं, यही आजम खान दमदनाता था, यही आतिक अहमद दमदनाता था, यही मुख्तार अहमद दमदनाता था। मैं कई बार लोगों से पूछता हूं कि भैया देखो आदमी वही था, मुजरिम वही था, जुर्म वही था, सरकार अलग थी, वो उस समय दमदनाते थे, आप जेल में पहुंचे हुए कैसे हुए? इसलिए कि अखिलेश जी ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी थी और योगी जी ने आंखें खोल के बुलडोजर चला के अंसारी की 385 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जब्त की है, अतीक अहमद की 328 करोड़ रुपए, और आजम खान साहब सांसद होकर के जेल में पड़े हुए। ये आजम खान ये जेल में पड़े हुए जिनको वो साहब करके बुलाते हैं। क्या लगती है? तो ये समझना पड़ेगा। और मैंने कल भी उदाहरण दिया था, मैं आज भी आप लोग के सामने रख देता हूं, मैं मीडिया वालों को बार बार तारीख के साथ बताता हूं और मैं बोलता हूं अखिलेश जी ने इनसे पूछे मैं गलत बोल रहा हूं तो मुझे टोके, कोई टोकता नहीं है। और मैं उदाहरण सही बताता हूं, मैं आपके सामने फिर से बता देता हूं, चाहे गोलघर का बॉम ब्लास्ट हुआ, चाहे आपके यहां कचहरी का बॉम ब्लास्ट हुआ जिसमें लखनऊ वाराणसी और अयोध्या 3 जगहों पर बॉम ब्लास्ट हुआ, चाहे श्रमजीवी ट्रेन में बॉम ब्लास्ट हुआ, चाहे हमारे मुंबई के ट्रेन में बॉम ब्लास्ट हुआ, चाहे सरोजनी नगर दिल्ली में गोविंदपुरी में बॉम ब्लास्ट हुआ और सरोजनी नगर मार्केट में बॉम ब्लास्ट हुआ और पहाड़गंज में बॉम ब्लास्ट हुआ, फिर चाहे आपके वाराणसी में दशाश्वमेध घाट में बॉम ब्लास्ट हुआ, फिर चाहे वो संकट मोचन में बॉम ब्लास्ट हुआ, ये सारे बॉम ब्लास्ट में लगभग 500 लोग मारे गए और 2,000 लोग घायल। 2 लोग पकड़े गए थे, एक का नाम था हाकिम तारी कासमी और एक का नाम था खालिद मुजाहिद। मैं दोनों नाम बताता हूं, एक व्यक्ति जौनपुर का था, एक व्यक्ति आलमगढ़ का था। 26 अप्रैल 2012 को बतौर मुख्यमंत्री अखिलेश जी ने इन सारे आतंकवादियों के 15 केस वापस किए। आप बताइए ये रक्षक थे या भक्षक थे? भक्षक। इन्होंने आपकी रक्षा की या भक्षण किया? ये मैंने आपको इतने केस गिना दिए, इन केस के मुजरिम का नाम बता दिया, इन
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा ये केस वापस नहीं ले सकते हो, ये केस चलेगा और गोरखपुर के स्पेशल कोर्ट ने इनको 4 जिंदगियों तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई, लेकिन अखिलेश जी ने इनको छुड़ाने का काम किया। दूसरी घटना बताता हूं कि 2007 के 31 दिसंबर की रात और 2008 की 1 जनवरी की सुबह, ये दोनों दिन ये लोग उस समय रामपुर के एक उसमें जिसे हम कहते हैं सीआरपीएफ के कैंप, उसमें AK-56 के साथ अटैक हुआ था, 7 लोग उसमें मारे गए थे। वहां एक आदमी पकड़ाया था जिसका नाम था शहाबुद्दीन, वो बिहार का रहने वाला था। उस शहाबुद्दीन से पकड़ में 7 लोग 7 टेररिस्ट आए थे और उन्होंने इस दोष का जिम्मेवारी ली थी। 26 अप्रैल 2012 को अखिलेश जी ने उनको भी छोड़ने का काम, फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि आप छोड़ नहीं सकते हो, इनको आप रखो, इनके खिलाफ केस चलेगा। 4 लोगों को सजाए मौत हुई है और 3 लोगों को आजीवन कारावास हुआ है। अब मैं जानना चाहता हूं ऐसे अखिलेश कभी मुख्यमंत्री बनेंगे उत्तर प्रदेश के? बनना है, बनाएंगे आप? इनका असली चेहरा मैं आपको बता रहा हूं, जिन लोगों को आतंकवादियों को बचाने में कोई कुरेज नहीं होती, जो लोग उनके साथ खड़े दिखते हैं। अभी अहमदाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया, देश में पहली बार 38 लोगों को सजाए मौत सुनाई गई, 38 लोगों को। उसमें एक मोहम्मद साहब है आजमगढ़ का रहने वाला, उसके पिता का नाम है सदाम अहमद मिस्टर, वो श्रीमान अखिलेश जी के समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है, गले मिल रहे हैं अखिलेश जी। आपको आतंकवादी गले मिलने के लिए मिलते हैं और कोई मिलता ही नहीं, यही आपके दोस्त है। मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने झड़प लगाई कि सरकार नामी चीज ने अखिलेश मूक दर्शक रहा, उसके मुख्य अभियुक्त को आप परिवार सहित प्लेन से मुजफ्फरनगर से बुला करके अपने घर में लखनऊ में बिरयानी खिलाते हो, ये लॉ एंड ऑर्डर संभालेंगे क्या? 200 दंगे हुए अखिलेश जी के जमाने में और योगी जी के जमाने में एक भी दंगा नहीं हुआ है। सुरक्षित रहना है कि नहीं रहना है, व्यवस्थित होकर के आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है, उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है, तो रास्ता एक है, मोदी जी के काम को मोहर लगाइए, योगी जी को मजबूती प्रदान कीजिए और काशी से कमल खिला करके और पूरे पूर्वांचल से कमल खिला करके लोगों को आगे बढ़ाइए। और ये मैं आपकी पार्टी के लिए नहीं कह रहा, ये उत्तर प्रदेश के लिए कह रहा हूं, ये देश के लिए कह रहा हूं, ये हम मैं आपके सामने बिल्कुल कन्विंस होकर के बोलता हूँ। मेरे से पत्रकार पूछते आते हैं, मैं उनको सारे को ही बोलता हूँ, देखो बुद्धि का सारा ठेका मैंने नहीं लिया, आप सब लोग बुद्धिमान है, लेकिन मेरी बात का जवाब दो, अगर मेरी बात का जवाब नहीं है तो फिर मेरी बात को मान लो, दो में से तो एक करूंगा, या तो मैं कहूँ कि मैं आपकी बात मान लिया या आप बोलो कि आप मेरी बात मान गए, बीच में तो नहीं लग सकते ना। तो उसी तरीके से मेरा ये कहना है कि यह चुनाव एक तरफ अपने भविष्य का चुनाव है जिसमें हम विकास देख रहे हैं और दूसरी तरफ हम अपने भविष्य को विनाश की ओर ले जाने का चुनाव कर रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग विकास की तरफ बढ़ेंगे, मोदी जी को मजबूती प्रदान करेंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे और उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश का आगे बढ़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।